पेकरो हत्याकांड को हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। इस हत्याकांड में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी वहां वैसी ही बेचैनी है जैसे पहले थी। पहले लोग विकास के खौफ से कांपते थे और अब उसके रूह से लोग सहम जाते हैं। अंधविश्वास से भयभीत ग्रामीण दिन ढलने के बाद विकास के मोहल्ले की ओर नहीं जाते। गांव के लोगों का कहना है कि इन अपराधियों में से किसी का क्रियाक्रम नहीं हुआ। उनकी आत्माएं भटकती हैं, पत्ता भी खनकता है तो शरीर सिहर उठता है। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने विकास का भूत भी देखा है। 2 और 3 जुलाई की रात को यहां हुए नरसंहार के बाद शासन ने उसका मकान बुलडोजर से गिरा दिया था, लेकिन गांव वालों को आज भी खंडहर में तब्दील हो चुके इस घर पर विकास दुबे बैठा दिखाई देता है। हालांकि विकास के टूटे मकान पर 4 पुलिस वालों, 2 पुरुष और 2 महिलाओं की ड्यूटी लगी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इनमें से किसी ने नहीं कहा कि उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई थी या विकास के भूत को देखा है। उनमें से एक कहता है, हम यहाँ अपनी ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है। इससे ज्यादा वह कुछ भी कहने से मना कर देता है। जैसा कि गांव के पुजारी मानते हैं कि अगर किसी की असमय मौत होती है तो ऐसी बातें लाजमी है। विकास दुबे के मामले में ना तो उसका अंतिम संस्कार ठीक से हुआ, ना ही उसके बाद के क्रियाकर्म। एनकाउंटर में मारे गए उसके साथियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए उसकी आत्मा का भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इसे अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच्चाई यही है कि भले ही विकास दुबे और उसके गैंग का पुलिस ने सफाया कर दिया हो, लेकिन विकास दुबे ने दशकों तक जो दहशत लोगों के दिलों में फैलाई वो आज भी खौफ के रूप में जिंदा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।